नमस्कार, वो साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर के अधिकांश इलाकों में शुक्रवार से बर्फबारी जारी है, जिसके चलते जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। कुछ जगह मध्यम तो कई जगह भारी बर्फबारी की खबरों के बीच प्रशासन ने भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में चेतावनी भी जारी की है। श्रीनगर में तो शनिवार सुबह जब लोग सोकर उठे तो चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी देख सबके चेहरे खिल गए। लोग इसका आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन साथ ही प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं कि सड़कों से बर्फ जल्द से जल्द हटाई जाए, ताकि आवागमन में असुविधा नहीं हो और बिजली कटौती नहीं की जाए। आइए देखते हैं प्रभा साक्षी संवाददाता से बातचीत में श्रीनगर के लोग क्या कह रहे हैं। जी, मेरा नाम मलिक फैज़ान है। वादी कश्मीर में आज जो है पहली बर्फबारी हुई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज सुबह जब हम उठे नींद से तो सारा सो है वादी कश्मीर में, मतलब बर्फ़ इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। टूरिस्ट से मेरी यही अपील रहेगी कि जो यहाँ आना चाहेंगे बर्फ़ का, मतलब देखेंगे कि कितनी अच्छी बर्फ़ यहाँ है, सफ़ेद सारा कुछ है, एंजॉय करेंगे। और अपील करता हूँ मैं टूरिस्ट से, वादी कश्मीर आए और एंजॉय करें। यहाँ बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ता है। बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी की, ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए या रोड्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है कुछ रोड्स ऐसे हैं कि जो अभी ब्लॉक है, अभी SMC वहाँ तक पहुँची नहीं है, उनकी टीम जो रोड्स को क्लियर कर सके। गवर्नमेंट से मेरी यही अपील रहेगी कि पावर सप्लाई जो है वो कंटिन्यू की जाए और जो है रोड्स पर जो बर्फ़ है वो क्लियर की जाए, और क्योंकि ये बर्फ़ अगर क्लियर नहीं होगी तो बच्चे जो होते हैं छोटे, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल अहमद है। और जो आप ये बात कर रहे हैं आजकल की, ये बर्फ़ जो पहली पड़ रही है ये अच्छी है। जो ये पहली बर्फ़ होती है ये हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, ताकि आगे चलकर हमें पानी की किल्लत नहीं होती है, बिजली की किल्लत नहीं होती है। हाँ, अब एक या दो दिन के लिए थोड़ा हमें चलने में दुश्वारी आती है, लेकिन है ये बहुत अच्छा। उस वजह से तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अब सरकार को चाहिए कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, ताकि लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाए, और पावर का भी थोड़ा ध्यान रखे, क्योंकि आजकल जो बीमारी है उसके लिए तो पावर का होना बहुत ज़रूरी है। के लिए हम एक ही मैसेज करते हैं, भाई आओ एंजॉय करो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बर्फ़ की बात करेंगे तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ एक चीज़ है। तो समर्स की अगर बात करें, अगर बर्फ़बारी नहीं होगी तो समर से पानी की किल्लत जो है कश्मीर रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेगी। वही अगर आपने मुश्किलों की बात की, देखिए मुश्किल ऐसे है कि रोड क्लियर होने चाहिए, प्लस इलेक्ट्रिसिटी जो है कई इलाकों से कल से गायब भी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ऐसी सारी फैसिलिटीज़ जो नेसेसरी जो है डेली लाइफ में, वो कम से कम लोगों को प्रोवाइड करे, ताकि आम लोग जो है सर्दी का मौसम है या चले कलान का चल रहा है, हारिश विंटर माना जाता है कश्मीर रीजन में, तो इसमें वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली या रोड्स की बात करेंगे। मेन रोड्स क्लियर हुए हैं, लेकिन जो लिंक रोड्स हैं उनमें अभी भी बर्फ़ है, तो जो बंदा घर से निकल रहा है उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वही अगर आप बात नेशनल हाईवे की करेंगे, नेशनल हाईवे पिछले दो दिनों से बंद पड़ी हुई है, रुकी रुकी से बंद, और जो कल शाम से तो कम्प्लीटली बंद पड़ी हुई है। वहाँ से जो भी फूड्स आते हैं, एसेंशियल फूड्स आते हैं, चाहे तेल की बात करेंगे, वेजिटेबल्स की बात करेंगे, किसी और चीज़ की बात, उनकी रेट आप देख लीजिए आज दुगना हो गई। अभी एक ही दिन हुआ नेशनल हाईवे को बंद पड़े हुए, लेकिन रेट्स देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचे। वहीं देखिए श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है पिछले चार दिनों से अगर देखा जाएगा तो काफ़ी सारी फ़्लाइट जो है कैंसिल हो चुकी है। आज भी अगर देखा जाएगा आज जितनी भी फ़्लाइट्स है वो भी कैंसिल हो चुकी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं इस पर नो कदम उठाने चाहिए, ताकि आम लोगों को जो है राहत की सांस पहुँचे। सर, यहाँ से फील बहुत अच्छा था जब पहले जब बर्फ़ गिरती है ना, और सुबह का जब हम उठते हैं तो यहाँ से पूरी सफ़ेद दिखाई देता है, और काफ़ी खूबसूरत जन्नत कश्मीर तो की जन्नत है। और कहना चाहेंगे हम बाकी से भी और बाहर वालों से भी, यहाँ कश्मीर में आइए और यहाँ का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। और ये देखो कितना यहाँ पे माशाल्लाह, अल्लाह ताला कितनी कुदरत है यहाँ पे खूबसूरत है। आपसे यही अपील है, आप आइए और देखिए कश्मीर का नज़ारा, जन्नत है काफ़ी कश्मीर। बहुत अच्छा हुआ, बर्फबारी कश्मीर में होना चाहिए, इसलिए कि क्योंकि कई बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए कि हमारे अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हालात भी ठीक हैं इसमें बर्फ़ में बहुत, और रास्ता कोई आम रफ्त बंद हो गया, थोड़ा खोलना चाहिए पास, और क्या है। बर्फ़ है बहुत है, पहाड़ी इलाके में बर्फ़ है, बारिश है, अचानक हो गया, मतलब ठीक है बस।
कल शाम को 4:20 हो गया बर्फ हो गया बारिश और 4:30 आ गया बर्फ, रात को 3:00 हो गया ख़त्म, आज सुबह आएगा सुबह 7:30 और बर्फ आ गया, आज 12:00 हो गया बंद। हम आपको बता दें कि बर्फबारी के चलते श्रीनगर में शुक्रवार दोपहर बाद से कई उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि रविवार से मौसम में सुधार की उम्मीद है। इस बीच घाटी के पर्वतीय जिलों और चिनाब क्षेत्र में रह रहे लोगों को अनावश्यक जोखिम नहीं उठाने की सलाह दी गई है। बर्फबारी के इस मौसम में वैसे तो अधिकतर लोग अपने घरों में ही दुबके हुए हैं, लेकिन जब बात हमारी सेना के जांबाज जवानों की आती है तो देखिए कैसे वह भारी बर्फबारी के बीच भी देश की सीमाओं की सुरक्षा में पूरी तल्लीनता से लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कैसे भारी बर्फबारी के बीच नियंत्रण रेखा पर गश्त कर रहे हैं भारतीय सेना के जवान। इसके अलावा यह देखिए कैसे जम्मू और कश्मीर के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम स्थान पर चारों ओर निगरानी रखने के लिए सैनिक स्नो स्कूटर का उपयोग कर रहे हैं। वीर जवानों को सलाम। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।